एवरीवन, दिस इज मोनिका। वेलकम टू अनदर फैशन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मिंत्रा से कुछ कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि कैजुअल ऑल्सो पार्टी वेयर मिक्स होने वाला है। इसमें कुछ कुर्ता सेट भी है, ऑल्सो इसमें काफ्तान सेट भी है, साड़ी भी है, कुर्ती भी है, काफी सारे पीसेस, धोती पैंट कुर्ता भी सेट भी है। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी वन बाई वन। सो वीडियो में मूव ऑन करने से पहले मेक श्योर करें कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे मैं हॉल वीडियोस, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस, ऑल्सो स्टाइलिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है टचअप गर्ल, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। रिसेंटली आई बॉट अ वॉच एंड अ ब्रेसलेट फ्रॉम डैनियल ब्लिंकटन। एंड ये वॉच जो मैंने परचेज की है, वो मैंने परचेज की है रोज गोल्ड कलर में, एंड ब्रेसलेट भी रोज गोल्ड कलर में। इसमें आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाएगी, कलर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो वुमेन्स एंड मेन्स दोनों के वॉच कलेक्शन बहुत ही अच्छे हैं। ये वॉच मुझे तो बहुत पसंद आई है गाइज। ये आप काफ़ी वर्सेटाइल से पीसेज हैं, लाइक आप वेस्टर्न के साथ, इंडियन के साथ आराम से इनको वेयर कर सकते हैं। एंड अभी परचेज करने का बहुत ही अच्छा टाइम है, बिकॉज अभी चल रही है एंड ऑफ सीजन सेल, जिसपे आपको एंटायर रेंज पे 30% तक का ऑफ मिलेगा, अप टू 30% तक का ऑफ। ऑल्सो अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं टच अप गर्ल, जिससे आपको एक्स्ट्रा 15% तक का ऑफ भी मिलेगा। बहुत ही अच्छा टाइम है गाइस शॉपिंग करने का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनका कलेक्शन चेक कर सकते हैं। फर्शो कुर्ती है गाइस, ये फुशिया पिंक कलर में अनारकली टाइप पैटर्न में ये कुर्ती आपको मिल जाएगी। ऑल्सो इसमें आपको काफी अच्छा प्रिंट दिया हुआ है, जो कि ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है गाइस, ये जो भी प्रिंट किया हुआ है, ये आपको व्हाइट कलर का ऊपर से प्रिंट किया हुआ है, बट इसमें घेर बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है गाइस इस कुर्ते में। ऑल्सो इसमें बैक साइड में आपको ये स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी, जिसको आप टाई करने के लिए शोल्डर्स पे दी हुई हैं, ओनली ये स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। इसमें आपको 3-4 स्लीव्स मिल जाएगी। कुर्ती गाइस काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने इसमें व्हाइट कलर के पैंट के साथ इसको वेयर किया था, या आई थिंक सलवार के साथ वेयर किया था। कॉटन इसका मटेरियल है, मटेरियल बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हाईली रिकमेंड, बिकॉज इसमें मेरा जो साइज है वो है एम साइज, एंड एम साइज मुझे थोड़ा सा लूज भी है, बट धुलने के बाद भी इनकेस थोड़ा श्रिंक होता है तो चल जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है गाइज, वो है ये धोती पैंट सेट। एंड गाइज, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। सो इसमें सबसे पहले हम इसकी कुर्ती ओपन कर लेते हैं। सो कुर्ती आपको नॉर्मल कॉटन मटेरियल की कुर्ती मिल जाएगी, मस्टर्ड येलो कलर में कॉटन मटेरियल है, बट मटेरियल थोड़ा सा सी थ्रू है। पहले मैंने इसमें किसी और कलर का ब्रा वेयर किया था, बट वो जो था बहुत ही विजिबल हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें न्यूड कलर का ब्रा वेयर कर लिया, तो फिर इतना ज़्यादा पता नहीं चला गाइस। इसमें आपको लॉन्ग स्लीव्स मिल जाएंगी, और जो घेर है काफ़ी अच्छा इसमें। यहाँ पर आपको ये गोल्डन कलर के ना ये लगाया हुआ है, लेस लगाई हुई है यहाँ पे अलग से। मटेरियल गाइड थोड़ा सा सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है, बहुत ज़्यादा मोटा वाला मटेरियल नहीं है इसका। इसके साथ में गाइज मिली है धोती, ये वाइट कलर की धोती, तो गाइज आप किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। आई थिंक मैंने इसको इसी धोती को ही वेयर किया था ये पिंक वाली कुर्ती के साथ। सो ये धोती है, अच्छी है वेयर करने में, दोनों ही जो कॉम्बिनेशन है ना गाइस बहुत अच्छे लग रहे थे वेयर करने के बाद। सो इसका भी मटेरियल कॉटन है, हाईली रेकमेंड। मेरा जो साइज है वो है एम साइज, एंड एम साइज मुझे परफेक्ट है। शो है गाइस, ये 3 पीस में रिसीव हुआ है, जब मैं इसको इमेज में देख रही थी गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एम साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा इसमें लूज आया है, लाइक ऐसा लग रहा था कि मैंने एल साइज वेयर किया है। अदरवाइज ये सूट मुझे वेयर करने के बाद अच्छा लग रहा था। थोड़ा न्यू पैटर्न है गाइस इसका, इसमें यहाँ पे आपको ये स्लीव्स मिल जाएंगी, थोड़ी बैलून स्लीव के साथ आपको ये मिलेगा, एंड यहाँ इसमें फ्लेरी फ्लेरी सी स्लीव्स हैं। ऑल्सो इसमें ये घुटापट्टी वाली डिज़ाइन इसमें लगाई हुई है। पूरा जो मटेरियल है गाइज, ये कॉटन एंड रेयन मटेरियल है, कलर एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड पूरे मटेरियल में गाइज यहाँ पे ना आपको ये पाइपिंग मिल जाएगी, जो कि सिल्वर कलर की यहाँ पे लगाई हुई है, एंड फ्रंट में भी ये डिज़ाइन आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ में गाइज जो पैंट मिली है, हाँ इसके साथ में मिली है प्लाजो। सो प्लाजो जो है आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट लाइन मिल जाएगी इसमें। ऑल्सो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इतना आपको ये नैरो मिल जाएगी गाइज। ये भी काफ़ी लूज कंफर्टेबल प्लाजो थी, बट मुझे तो बहुत ही लूज था ये पूरा का पूरा सूट। साथ में मिला है गाइज दुपट्टा।
सो दुपट्टा है इसका पर्पलिश एंड थोड़ा सा ब्लूइश शेड में, ऑल्सो पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में. एक जो इसका कॉम्बिनेशन था गाइस, उसमें ग्रीन कलर का दुपट्टा था, बट मुझे लगा ग्रीन कलर का दुपट्टा तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा. सो इसमें ये ब्लू एंड पिंक कलर का ये दुपट्टा मिक्स में आपको ये मिल जाएगा. दुपट्टा थोड़ा सा ना जो श्रिंक वाला मटेरियल होता है ना, उस टाइप का प्लीटेड दुपट्टा है इसमें. सो ये दुपट्टा काफ़ी अच्छा, लेंथ विड्थ सब कुछ इसकी बहुत ही अच्छी आई है. बट ये सूट से ना उतनी मैं हैप्पी नहीं हो पाई कि जितना मुझे देखने बाद ये लग रहा था, बिकॉज ये थोड़ा स्लीव्स इसकी बहुत ही ज़्यादा ओवर ही जो फूला बोल सकते हैं, ओवर लग रहा था. एंड यहाँ पे उसका इतना अच्छा लुक नहीं आ पा रहा था. तो अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा कम रेकमेंड कर रही हूँ. गाइस ये टू पीस में रिसीव हुआ है. इसमें आपको कुर्ता मिलेगा और साथ में मिलेगा दुपट्टा. एंड वाइट कलर की प्लाजो पैंट तो हम सबके पास होती ही है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ना फ्रंट में बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी इस कुर्ते में की हुई है. आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी इस कुर्ते में आपको मिलेगी. देख लीजिए फॉइल वाले यहाँ पे ना मिरर लगाए हुए हैं. ऑल्सो ये कुर्ता ना पार्टी वेयर है, इसलिए पूरे कुर्ते पे ये प्रिंटेड आपको ये कुर्ता मिल जाएगा. एंड ये प्रिंट जो किया हुआ है, ये वाइट कलर का जो प्रिंट किया हुआ है वो मटेरियल में किया हुआ है, बट ये जो शाइनिंग वाला प्रिंट आप देख रहे हैं ये ऊपर से किया हुआ है. शाइनिंग जो उसमें दिख रही है गाइज वो आपको ऊपर से की हुई है इसमें. एंड इसमें आपको स्लीव्स मिल जाएंगे 3/4. एंड यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रिंट आपको दिख रहा है, ये मटेरियल में ही किया हुआ है. बैक साइड से गाइज ये आपको ऊपर से फ्रंट से तो प्लेन मिलेगा, एंड यही जो शाइनिंग वाला प्रिंट है वो आपको लास्ट में मिल जाएगा. पार्टी वेयर टाइप का सूट है, तो आप नॉर्मल अगर वॉश करें तो डेलिकेट पे इसको वॉश करना पड़ेगा. इसके साथ में आपको दुपट्टा मिल जाएगा शिफॉन मटेरियल का, एंड उस पर गोटा पट्टी लगाई हुई है. पूरे लेंथ विड्थ सब कुछ इस दुपट्टे की काफ़ी अच्छी आई है. इसको मैंने व्हाइट कलर की पैंट के साथ वेयर किया था, पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा सी थ्रू लगेगा आपको, लाइट शेड है ना इसलिए. तो व्हाइट कलर की प्लाजो है तो आराम से इसको वेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है गाइस, ये भी पार्टी वेयर सूट है एंड ये काफ्तान पीस है. कुर्ता मिल जाएगा, कुर्ता जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ऐसा ही कलर है इसका, वाइन शेड टच में इसका कलर है. वैसे अभी तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, इमेज में आपको जो वीडियो में लगाऊंगी ना उसमें आपको एग्जैक्टली इसका कलर पता चलेगा. सो यहाँ पे आपको ये काफ्तान सेट है, इसमें आपको ये बेल्ट मिल जाएगा. बेल्ट पे गोल्डन कलर का वर्क प्रिंट किया हुआ है, पूरे कुर्ते पे गोल्डन कलर का प्रिंट इसमें मिलेगा आपको. साथ में गाइस इसकी मिली है ये पैंट भी गोल्डन कलर का प्रिंट आपको इसमें पूरे पे ये मिल जाएगा. सो ये पार्टी वेयर ही सूट है. इनकेस धुलते धुलते निकल भी जाता है तो आप घर में पहनने लग जाइए, कंफर्टेबल था बिकॉज बहुत ही ज़्यादा. ऑल्सो ये अच्छा भी लग रहा था वेयर करने के बाद, पार्टीज़ के पर्पज से तो अच्छा लग रहा था मुझे वेयर करने के बाद. तो डेलिकेट पे वॉश करें, इस चीज़ का ध्यान रखें. अदरवाइज मेरा जो इसमें साइज़ है वो है एम साइज़, एंड एम साइज़ मुझे परफेक्ट है. नेक्स्ट जो है गाइस, ये ब्लैक कलर की ऑर्गेन्जा मटेरियल की साड़ी है, एंड ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी मुझे जब मॉडल ने इसको वेयर किया था, इसलिए मैंने ये सोच के इसको परचेज़ कर लिया था. वैसे जब मैंने इसको वेयर किया तो मुझे भी गाइस ये बहुत प्यारी लगी ये साड़ी. इसमें आपको ये बेल्ट भी मिल जाएगा इस साड़ी में. ये पूरी साड़ी प्लेन है, इसमें ही आपको बेल्ट मिल जाएगा. ये बेल्ट ना इस साड़ी को बहुत ही अच्छा, मतलब इस साड़ी की पूरी जो ब्यूटी है ना प्लेन वाली, उसको इस बहुत ही अच्छे से ना इन्हांस कर रहा है ये बेल्ट, इसलिए इसमें दिया हुआ है बिकॉज ये पूरी प्लेन साड़ी है. तो ये बेल्ट तो आप पास से भी देख लीजिए, एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट आपको मिल जाएगा इसमें, यहाँ रख देती हूँ. एंड इस ये पूरी जो साड़ी है ना ऑर्गेन्जा मटेरियल में मिलेगी. इसमें कलर भी दिया हुआ है, मैंने यहाँ ब्लैक कलर चूज़ किया है, इसमें कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे. पूरी ऑर्गेन्जा मटेरियल की प्लेन साड़ी आपको ये मिलेगी गाइस. अब कभी कभी होता है ना कि हमें कॉकटेल वगैरह कुछ इस टाइप की पार्टीज़ होती हैं, या फिर आपके कॉलेज में कोई फेयरवेल है एंड आपको कुछ थोड़ा सा सिंपल सा पहनना है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ऑर्गेन्जा मटेरियल ना थोड़ा सा फिसलने वाला और इस टाइप का होता है, बट इसमें मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाइस. बहुत ही इजीली वेयर हो गई एंड अच्छी भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा ना वेयर करने के बाद. लेंथ विथ सब कुछ बहुत ही अच्छी है. इसमें आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाएगा, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ. इसमें सेम ही ऑर्गेन्जा मटेरियल का आपको ब्लाउज पीस इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि अटैच किया हुआ है अलग से. तो आप ब्लाउज अपने अकॉर्डिंग कैसे भी स्टाइलिश ब्लाउज आप इसके साथ में बनवा सकते हैं. तो मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई है, कुछ 1100 रुपीज़ समथिंग है, बिकॉज अगर आप मार्केट में भी लेने जाते हैं प्लेन ऑर्गेन्जा मटेरियल तो वो मुझे लगता है 400 रुपीज़ मीटर इस टाइप से आता है. तो 1100 रुपीज़ में तो गाइस वर्थ पाएंगे. ब्लाउज पीस भी आपको साथ में मिल रहा है, साथ में मिल रही है बेल्ट जो कि साड़ी को ना बहुत ब्यूटीफुल बना रही है. सो अच्छी है, इसको भी आप ट्राई
सो गाइज, इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मिल जाएगा. ऑल्सो डेनियल विलिंगटन वॉच का लिंक, मैंने जो भी पहनी हुई है उस वॉच का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है. वेबसाइट लिंक भी मेंशन कर दिया है. अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो काफ़ी अच्छा टाइम है, आप शॉपिंग कर सकते हैं. सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा. आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.